Come to this today. आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है and I talk about an topic. और आज मैं महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताना चाहता हूं। हूँ हम कैसे प्रार्थना में प्रबल हो सकते हैं जयवंत हो सकते हैं कई बार हम प्रार्थना करते हैं और बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिला है and we if God is our or not. और कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं We will talk about certain principles that we see in the bible of how to prevail in prayer हम बाइबल में से कुछ सिद्धांतों को देखेंगे कि किस तरह से अपनी प्रार्थना में हम प्रबल हो सकते हैं सामर्थ्य हो सकते हैं but before we come to that uh, points of prevailing i'll talk about what will hinder your prayer और इसके पहले कि हम प्रार्थना में प्रबल होने के बारे में देखें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रार्थना में रुकावट डालती हैं the first thing that hinders your prayer पहली चीज जो कि आपकी प्रार्थना में रुकावट डालती है वो ये है

Take care that sin is removed from their life. बहुत से लोग इस बात की कोई परवाह नहीं करते इस बात के बारे में सचेत नहीं रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन से पाप निकाल देना होगा और वो अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखने की कोई परवाह भी नहीं करते हैं और जब भी जरूरत हो तो वो प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं and then they don't get the और फिर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है आप जानते हैं ये क्यों होता है Okay.

नहीं वचन एक, सुनो यहुआ का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार न कर सके न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके एंड बट योर इनक्विटीजरेटेड बिटवीन यू एंड योर गॉड एंड योर सिंस हिड इज फेस फ्रॉम यू एंड नॉटर वचन दो कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड ये समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गॉड इज होली गॉड परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है एंड गॉड कमांडेड इन बुक ऑफ फर्स्ट पीटर बी होली फॉर आई एम होली पहला पत्रस में परमेश्वर ने हमें इस तरह से आज्ञा दी है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला मैं पवित्र हूं। God, अगर हम पवित्र परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमें अपने हाथों को अपने हृदय को और यहाँ तक कि अपने मनों को शुद्ध करना ही होगा बिकॉज इट से बिटवीन यू एंड योर गॉड ये कहता है कि तुम्हारे अधर्मो ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है दूर कर दिया है इट सेज योर sins have hid his face from you यह कहता है कि तुम्हारे पापों ने उसका चेहरा तुमसे छिपा लिया है सो दैट ही विल नॉट हियर योर प्रेयर ताकि वो तुम्हारी प्रार्थना न सुन सके सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू रिमूव द ब्लॉक्स इन योर प्रेयर लाइफ इज सच योर लाइफ तो सबसे पहले अपने जीवन की इन रुकावटों को दूर करने के लिए अपने जीवन को जांचना होगा थिंग्स जो कुछ भी कर रहे हैं क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है ये देखना होगा। मेनी कंटिन्यू टू डू बिकॉज दे लाइक बहुत से लोग पाप से प्यार करते हैं इसलिए वो निरंतर पाप करते चले जाते हैं पाप करते रहते हैं और वो उस नही चाहते हैं बिकॉज दे एंजॉय क्योंकि वो उन सारी चीजों का आनंद उठाते चले जाते हैं सो व्हेन व्हेन वी वी कीप ऑल दोस सीक्रेट सिंस इन आवर लाइव्स एंड देन प्रे हाउ कैन गॉड हियर अस जब हम अपने जीवन में इस तरह से गुप्त पाप छिपा कर रखते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे इफ यू वांट योर प्रेयर टू बी इफेक्टिव अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभावी हो जाए इफ यू वांट टू प्रिवेल इन प्रेयर

ओ परमेश्वर के साथ में संगति करना और प्रार्थना करते रहना ये तो सच में बहुत ही उबाऊ है इस तरह से वो सोचते हैं nicely, so और शैतान हमेशा पाप को बहुत ही सुंदर रीति से पैक करता है ताकि वो बहुत ही आकर्षक दिखाई दे वो लुभावने दिखाई दे वन फोलिश मैन सेट एक मूर्ख व्यक्ति ने इस तरह से कहा इट बेटर टू बी अ लीडर इन हेल्थ टू बी सर्वेंट इन स्वर्ग में दास होने से अच्छा है कि हम नरक में हो जाएं। इस तरह से उन्होंने कहा ये तो तो मूर्ख मनुष्य है आप इसकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं नरक तो यातना की जगह है आप वहां पर किसी भी तरह से कोई अगुवाई करने वाले नहीं हैं यू सफर फॉर इटर्निटी वहाँ पर आप अनंत काल के लिए दुख उठाएंगे लेकिन शैतान पाप को इतने आकर्षक रीति से पैक करता है कि आप उस पाप की ओर खींचे चले आते हैं पीपल आर अट्रैक्टेड और लोग इन सारी बुरी चीजों की ओर बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं

उसमें इतना आनंद होगा कि आप खुद ये सोचेंगे कि पुराने समय में जबकि मैं वो सारे गलत काम करता था उसमें मैं मैं कौन सा आनंद को महसूस करता था? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ so परमेश्वर आपको जो आनंद और शांति दे सकते हैं इस संसार में आपको ऐसा आनंद और शांति कोई नहीं दे सकता इट इज फूलिशनेस टू Think that you can just enjoy your life for some time.

है, वो आपको नरक में ले जाना चाहता है सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गेट अवे सिन सिन फ्रॉम योर लाइफ डोंट डोंट बी फैसिनेटेड बाय और इसीलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आप अपने जीवन में पाप में इस तरह से आकर्षित ना हो देन योर प्रेयर विल विल रीच गॉड लिसन टू योर प्रेयर और तब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे निश्चय वो उसे सुनेंगे वॉल दैट वाज बिटवीन यू एंड गॉड विल बी रिमूव्ड और वो जो दीवार आपके और परमेश्वर के बीच थी वो दूर की जाएगी द सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और दूसरी बात जो आपको यहां पर समझना है वो ये है बहुत से लोगों के दिल में क्षमाहीनता होती है वो क्षमा नहीं करते हैं हम सब लोगों को चोट पहुंचती है इन दिस people. इस संसार में जैसे आप जीवित हैं निश्चय कुछ लोगों के द्वारा आप अपने जीवन में ठोकर खाएंगे आप चोट खाएंगे यू विल हैव पीपल विल अफेंड यू पीपल विल हर्ट यू पीपल विल स्पीक अगेंस्ट यू लोग निश्चय ही आपको चोट पहुंचाएंगे लोग आपको दुख देंगे लोग निश्चय ही आपके विरुद्ध में बोलते चले जाएंगे एंड पीपल विल ऑलवेज डू थिंग्स अगेंस्ट यू चीट यू एंड

मसीह ने कहा इफ यू फोरगिव मैन देर ट्रस्ट देन योर हेवनली फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करते हो तो निश्चय तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा इस तरह से कहा इफ यू डू नॉट फोर गिव मेन ट्रस्ट पास नावन गिव यू अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा इस तरह से यीशु ने कहा है मार्क अध्याय ग्यारह वचन पच्चीस इस तरह से कहता है for that your heavenly Father also which is in heaven, मे फोर गिव यूर ट्रस्पास और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें अदरवाइज गॉड विल नॉट फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे यू विल नॉट बी फोर ऑफ योर सिम और आपके पापों को क्षमा नहीं किया जाएगा मैथी चैप्टर 18 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 में जीसस गिव अ स्टोरी यीशु मसीह ने यहां पर हमें एक कहानी बताई एक man एक धनी व्यक्ति था 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 जिसके बहुत बहुत से दास दास थे ऐसे बताया and one owed him a lot of money. और और जो दास था, उससे उसका बहुत सा पैसा चुकाना फिर वो तो अपने स्वामी के पास आता है वो दास अपने स्वामी के पास आता है कहता है मुझे थोड़ा समय दो मैं सारा पैसा चुका दूंगा और ये व्यक्ति उस पर दया करता है और कहता है ठीक है मैं तुम पर दया करता हूँ मैं तुम्हारे सारे कर्जे को माफ कर देता हूँ अभी तुम्हें कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं तुम्हें सब कुछ माफ कर दिया जाता है फिर ये जो दास है बाहर जाता है और वो अपने एक और दास को देखता है जिस दास को इसे थोड़ा सा पैसा चुकाना था बस थोड़ा सा पैसा चुकाना था and he him by the और वो उसका गला पकड़ लेता है

कु नॉट फिव दर्वन फॉर द स्मॉल अमाउंट तब दूसरे दासों ने जाकर अपने स्वामी को बताया कि स्वामी जिस दास का तुमने इतना पैसा माफ कर दिया लेकिन उसका उसका किसी और 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 पर कर्जा कर्जा था तो तो उसने उसे माफ माफ नहीं किया। स्वामी ने आज्ञा दी कि कि उस दास को लेकर आओ और जब लाया गया तो उससे कहा मैंने तुम्हारा इतना कर दिया क्या तुम उसका थोड़ा भी कर्जा माफ नहीं कर सकते थे and the master the forgiveness. और उस स्वामी ने उसकी क्षमा वहां पर कैंसिल कर दी उसकी क्षमा को हटा दिया

एक्सेस टू योर लाइफ एन दिल टॉमेंट यू अगर आप अपने दिल में क्षमाहीनता रखते हैं तो निश्चय ही दुष्ट आत्मा आपके जीवन में पहुंच रख सकती है और वो आपको सताते और पीड़ा देते चली जाएगी सो इफ यू टू प्रिवेल इन प्रेयर एंड इफ यू टू 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 हैव योर प्रेयर बी हर्ड देन दिस थिंग्स रिमूव वन इज टेक अवे ऑल द फ्रॉम योर लाइफ अगर आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना में प्रबल हो और आप चाहते हैं कि आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाए तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे पहले कि अपने जीवन से सारे पाप दूर कर दे रिपेंट ऑफ एवरी अपने हर एक पाप के लिए पश्चाताप कीजिए अंगीकार कीजिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए गो बैक टू इट और आप उससे दूर फिर जाइए उसकी ओर वापस मत जाइए और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो आप उन्हें क्षमा कीजिए बिकॉज गॉड हेजिवेट वेव डन स्मॉल और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में चाहे कुछ भी क्यों नहीं किया हो हमें उन्हें क्षमा करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी क्षमा प्रदान की है और आइए अभी हम यहाँ पर आज के इस मुद्दे पर लौट कर आते हैं हाउ टू प्रि प्रेयर की कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रबल हो जाए स्टोरी ऑफ ए मैन कॉल जेकब हम याकूब नाम के इस व्यक्ति की कहानी को देखने वाले हैं बुक ऑफ जेनेसिस जो कि उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है now, Jacob, Jacob was a son of Isaac. अब अब याकूब जो है वो तो का बेटा था। के 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 दो थे। 21 इस वचन के भाग के 21 साल पहले क्या हुआ उससे हम देखेंगे याकूब ने धोखा देकर अपने बड़े भाई एसाव से जो पहलूठे का अधिकार था उस अधिकार को उससे छीन लिया उसने उसे धोखा देकर उससे यह अधिकार छीना दे बोथ वर ट्विन्स बट ईसा वाज एल्डर टू जेकब वो दोनों जुड़वा भाई थे लेकिन एसाव जो था वो तो याकूब से बड़ा था एंड ईसा वाज सपोज टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम हिज फादर और एसाव को अपने पिता की ओर से सारी आशीषों को प्राप्त करना था वो सारी आशीषों का अधिकारी था एंड जेकब टुक इट बाय डिसेप्शन और याकूब ने धोखा देकर इसे हत्या लिया था जेकब अब इसाव जो है वो तो याकूब को मार देना चाहता था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था जेकब हर्ड अबाउट इट और याकूब ने उसके बारे में सुना He ran away from that place where he lived. वो जहां पर रहता था उस जगह से वो फिर भाग जाता है He went off to another country where his uncle lived. और वो दूसरे देश में चले जाता है जहाँ पर उसके मामा रहते थे 21 और वो वहाँ पर 21 साल तक रहता है नाउ गॉड टोल्ड हिम नाउ गेट अप फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू योर लैंड अब परमेश्वर उससे कहता है कि तू यहाँ से उठ और अपने देश में वापस चला जा अपने जगह पर वापस चला जा। And Jacob was on the way back. और याकूब अपने देश में वापस आ रहा था नाउ ही वॉज इन ग्रेट फियर और अब इस समय वो बहुत ही डरा हुआ था नाउ इफ आई गेट बैक वॉट विल माई ब्रदर ई डू टू मी और उसने सोचा कि अगर मैं वापस लौटता हूँ तो मेरा भाई ऐसा मेरे साथ में क्या करेगा

महानाइम याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आम मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है इसलिए उसने उस का नाम महानाइम रखा यानी उसने वहां पर स्वर्गदूतों से मुलाकात की थी महानाइम मीन्स डबल कैंप महानाइम का मतलब है दुगना कैंप या दुगना ऐसा डेरा And and uh, देखिए उसका एक डेरा था जहाँ पर उसके जानवर थे उसकी पत्नी थी उसके बच्चे थे उसके दास और दासिया वहां पर एक अलग डेरे में थे परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने अपने आस पास स्वरदूतों के दूसरे डेरे को देखा सो दिस इज गॉड्स कैंप और उसने कहा की देखो ये तो परमेश्वर का दल है डेरा है डबल कैंप ये तो दुगना ऐसा डेरा है ये तो ऐसा दल है इफ एनी ऑफर चिल्ड्रन गॉड विकिंग गॉड Always God's angels are with you. हम में से अगर कोई परमेश्वर की संतान है और हम हमेशा परमेश्वर को खोजते रहते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं विदाउट फिजिकल आइज हमारी शारीरिक आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे आस पास इफ यू आर वॉकिंग विद गॉड यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो इफ यू डोंक डिफरेंट मैटर अगर आप पाप करते हैं परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं दूर जाते हैं तो अलग बात है साथ होते हैं जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं

इन सारी दुष्ट आत्माओं को वो आपके जीवन से दूर रखते हैं वो आपके आसपास में एक दीवार जैसे होते हैं। बाइबल भजन चौतीस ये कहता है। के डरवियों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया God's angels are always always with with us. us. There's a double camp always with us. परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ में होते हैं हमारे पास में हमेशा ये the angels. हम एक शारीरिक डेरा हैं और साथ में आत्मिक डेरा भी होता है यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ में होते हैं आर ऑलवेज सेंट ऑन असाइनमेंट टू हेल्प ऑफ गॉड स्वर्गदूत तो हमेशा परमेश्वर की संतानों की मदद के लिए भेजे गए हैं, ये तो उनका काम होता है इब्रानियो अध्याय वचन इस तरह से कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? इस तरह से ये वचन कहता है एंजल्स ऑफ गॉड हैव बीन सेंट ऑन असाइनमेंट टू मिनिस्टर टू यू एंड हेल्प यू परमेश्वर के स्वर्गदूत इस काम के साथ में भेजे गए हैं कि वो आपकी सेवा करें और वो आपकी मदद करते जाए वो इसी काम के लिए भेजे गए हैं स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग टू प्रे एंड वर्शिप गॉड द एंजल्स आर विद यू टू हेल्प खासकर के जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने और प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं तब तो आपकी मदद के लिए भेजे जाते हैं Now, 32 Genesis, अब हम उत्पत्ति अध्याय में देखते हैं कि अभी इस समय याकूब जो है, 7, वचन ये कहता है वचन कहता कि वो तो उस समय बहुत ही डर गया था बड़े भय में था बिकॉज गोइंग टू मीट इज ब्रदर क्योंकि वो तो अपने भाई से मुलाकात करने जा रहा था और उसके ऊपर उस समय बहुत ही भय छाया हुआ था वो बहुत ही डरा हुआ था मेनी पीपल कम टू प्रे ओनली इन ग्रेट फियर जब लोग बहुत डर में होते हैं केवल उसी समय वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं स्मूथ एंड नाइस हार्डली प्रे जब सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चलता है तो वो बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करते हैं want to in prayer, अगर आप प्रार्थना में प्रबल होना चाहते हैं मेक इट ए हैबिट ऑफ प्रे तो आप प्रार्थना करने की आदत बना लीजिए नॉट जस्ट ओनली इन बिग टेंशन एंड बिग ट्रबल नॉट ओनली जब बड़ी तनाव और मुश्किल में होते हैं केवल तभी प्रार्थना ना करें डेली मेक इट ए हैबिट ऑफ कमिंग टू प्रेजेंस ऑफ गॉड प्रतिदिन आप आदत बना लीजिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करें बिजी पर्सन अगर आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं मेक ए हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली टू कम एंड प्रे एंड वर्शिप तो आप आदत बना लीजिए कि आप सुबह-सुबह उठकर प्रार्थना करें और आराधना करें

जो की लिखी हुई बाइबल है उसे पढ़िए। मोबाइल बाइबल इज ऑल्सो दे मोबाइल की बाइबल भी है

देखेंगे are sick right now. अभी समय में बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ फादर लॉर्ड आई प्रे फॉर Hey, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे दर्शकों के लिए आई इन मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी इस समय मैं हर बीमारी को डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय चंगा हो कैंसर गो इन जीसस नेम कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आई रिलीज गॉड्स फेवर एंड ब्लेसिंग अपॉन यू मैं परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष को भी पर खोलता हूँ बाई द स्ट्राइप ऑफ जीजस आई डिक्री और हीलिंग यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा ये लोग चंगे हो चुके हैं इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में चंगे हो जाए जीजस ने मैं प्रे यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ हाँ मैन God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी